बहुत से महापुरुष, बहुत से संत इस धरती पर आए हैं। कितने महापुरुष आए हैं, भगवान ने आदेश दिया है कि इस कलिकाल में धर्म प्रचार के लिए सभी जीवों को शरणागति का मार्ग खोलने के लिए अब मुझे स्वयं ही पूरे परिकर के सहित धरती पर जाना होगा। कौन कौन जाएगा धरती पर, बहुत ध्यान से सुने। बोले हम यति रूप में जाने वाले हैं तो हमारा कोई ना कोई गुरु तो होगा, तो हमारे रजिस्टर्ड गुरु कौन? बोले रजिस्टर्ड गुरु हमारे वशिष्ठ जी हैं। है? वशिष्ठ जी को ही एक अंश से अवतार लेना होगा। गुरु वशिष्ठ ही स्वामी राघवानंदाचार्य के रूप में प्रकट हुए, जो श्री रामानंदाचार्य जी के गुरुदेव हुए। ब्रह्मा जी अनंतानंदाचार्य के रूप में प्रकट होंगे, जो श्री रामानंद स्वामी जी के शिष्य विप्रकुल में इनका जन्म होगा। प्रहलाद जी कबीर जी के रूप में प्रकट होंगे और यवन परिवार में पालन होगा। श्री पितामह भीष्म सेन भक्त के रूप में मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ स्टेट, जिसको रीवा जनपद कहते हैं, वहां सेन भक्त के रूप में पितामह भीष्म प्रकट होंगे नाई के कुल में। श्री मनु और शत्रुपा जी, ये पीपा और सीता, श्री पीपा जी महाराज और सीता सहचरी के रूप में प्रकट होंगे, प्रकट हुए। और महाराज जी राज परिवार में क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए। श्री धर्मराज यमराज साक्षात भक्ति का प्रचार करने के लिए श्री रैदास जी के रूप में चर्म कारकुल में प्रकट हुए। और स्वयं भगवान शिव भोले बाबा वह अवंतिकापुरी उज्जैन में विप्रकुल में श्री स्वामी सुखानंदाचार्य के रूप से प्रकट हुए। श्री सुखदेव जी महाराज विप्रकुल में स्वामी गालवानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए। देवर्षि नारद जी विप्रकुल में श्री सुरसुरानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। श्री कपिल भगवान विप्रकुल में श्री योगानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। श्री जनक जी महाराज महाराष्ट्र में आलंदी में पंडित श्री विठल पंत के रूप में प्रकट हुए और स्वामी रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेकर श्री भावानंदाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनके पुत्र महान संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज, श्री निवृत्तिनाथ महाराज, श्री सोपान देव महाराज और परम भक्तिमती श्री मुक्ताबाई। साक्षात भगवान शिव ही एक अंश से निवृत्तिनाथ के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री हरि ही संत ज्ञानेश्वर रूप में प्रकट हुए। श्री भगवान ब्रह्मा जी ही सोपान देव जी के रूप में प्रकट हुए और भगवती पराम्बा आद्या योग माया शक्ति वही मुक्ताबाई के रूप में प्रकट हुई। ऐसा पवित्र इनका वंश हुआ, संतान हुई। सनकादिक भगवान नरहरियानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। बली जी महाराज धन्ना जी के रूप में प्रकट हुए। राजस्थान में जिला टोंक में धुवन कला गांव में धन्ना जाट के रूप में जाट कुल में प्रकट हुए बली जी महाराज। और शत्रुघ्न जी महाराज गलता गद्दी के संस्थापक श्री कृष्णदास पयारी जी के रूप में प्रकट हुए। और श्री किशोरी जी की प्रधान सखी चंद्रकला जी वो श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के रूप में प्रकट हुई। इत्यादि प्रकार से ये सबके सब भगवत अवतार ही हैं, भगवत पार्षदों के अवतार हैं ये प्रकट होकर के। और इन्होंने अवतार लेने का निश्चय किया। उन्हीं में श्री प्रहलाद जी साक्षात कबीर जी के रूप में आए।